हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कोच, मेक्स योर ड्रीम ट्रू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर में मैं, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एनटीपीसी की सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ज़्यादा आपको अच्छे से विजिबल हो पाएगा। दोस्तों, इस सेशन के अंदर में हम लोग एनटीपीसी के सिलेबस जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्या सिलेबस है 2019 का और हम लोगों को किस प्रिपरेशन करनी है। जिन लोगों ने अभी तक सिलेबस नहीं उन्हें पता है, वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं और बहुत अच्छे से इसमें समझ में आएगा कि कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या सिलेबस हमारा एनटीपीसी के अंदर में पूछा जाने वाला है। आई होप सो कि आपको इसमें मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, इसके अंदर में मैं जो जो चीज़ें बताऊंगा, इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के नीचे में, आप जाओगे वहाँ पर लिंक होगा, पीडीएफ लिंक, ठीक है, वहाँ आप जाके डाउनलोड कर सकते हो बहुत अच्छे से और बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आप आज समझाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। दोस्तों देखो, सबसे पहली बात तो ये, आप यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर हम लोग का, मैं जो अभी बात करने वाला हूँ, दोस्तों देखो आप यहाँ पर जो मैं, आप देख सकते हो, जैसा कि यहाँ पर आपको फर्स्ट टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस सीईएन 1 2019, यानी कि ये जो टेस्ट है सीबीटी 1, वो हर एक के लिए कॉमन है। ठीक है, जो भी होने वाला है ये सीबीटी 1 के अंदर में। दोस्तों देखो, इसके अंदर में एग्जाम ड्यूरेशन जो है आपको इन मिनट जो है 90 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अंदर में आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो हर एक क्वेश्चन जो है आपका एक एक मार्क्स का अवेलेबल होगा, वैलिड होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आपका जनरल अवेयरनेस का, जैसे कि आया आपका पास कि कितने क्वेश्चंस दिए होंगे, तो आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 40 क्वेश्चंस दे रखे हैं, और जबकि मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के आपको 30 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ठीक है, और आपका टोटल यानी कि 90 मिनट के अंदर में आपको 100 क्वेश्चंस को करने होंगे। ठीक है, आई होप सो आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। देखो अब दोस्तों, एक चीज स्पेशल यहाँ पर नोट करके आप समझ जाओ कि द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग विल बी 120 मिनट फॉर एलिजिबल पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट अकम्प्लेंट विद स्क्राइब, मतलब कि जो पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज और यहाँ पर ध्यान देने की बात है दोस्तों, जैसे कि आप ये ब्लैक कलर के में जो लिखा हुआ है, यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि आपको हरेक, अगर एक गलत अगर आप करते हो तो उसका 1/3 जो है आपको मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए हरेक, देखिए इच रॉन्ग आंसर, मतलब हर एक गलत आंसर का आपको 1/3 जो है मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इसके इसके इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में, चलिए नीचे चलते हैं और फिर समझते हैं। दोस्तों देखिए, पूरा का पूरा सिलेबस जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंशन किया है, आई होप सो आपको सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा। बोलो तो और जूम कर सकता हूँ मैं, चलो और जूम कर दिया मैंने। देखिए यहाँ पर देखो, मैथमेटिक्स के अंदर में क्या आपका सिलेबस है, मैथमेटिक्स के अंदर जो सिलेबस है दोस्तों, वो नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री एलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिक ETC, यानी कि ये ही है आपका जो दिया है मेन, जो आपका सिलेबस के अंदर में मैथमेटिक्स का यही है और इसी से आपको आएगा। ठीक है, तो अगर आप इतना बहुत अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, तो आपका डेफिनेटली बहुत अच्छे से सिलेक्शन मैथ के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसके अंदर में बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर में, तो सबको पता है जो जो चीज़ में इंपॉर्टेंट जो इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर में आती है, वो सारी चीज़ें ही दी गई है, जैसे कि एनालॉगीज, कंप्लेंशन ऑफ नंबर्स एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिमिलर एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, सिलोलॉजिज्म, जंबलिंग। ठीक है, जंबलिंग दिया गया दोस्तों, इस पर ध्यान रखिएगा, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल्स, डाटा सफिशिएंसी, सफिशिएंसी स्टेटमेंट, कंक्लूजन स्टेटमेंट, को स्टेटमेंट, कोर्सेज ऑफ एक्शंस, डिसीजन मेकिंग, मैप्स और मैप्स इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ ETC। तो ये आपका इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर का पार्ट है, इसके अंदर में अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे जनरल अवेयरनेस के हमें करनी है, अगर NTPC का जो जो जो, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग ध्यान दो, देख सकते हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आपके सामने में आ गया है कि क्या क्या चीजें आपको प्रिपरेशन करनी है। पहला है आपका करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, गेमिंग एंड स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लेक्चर मोमेंट्स
एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th सीबीएसई। सीबीएसई का 10th क्लास के नीचे तक का सारा इसके अंदर पूछा जाएगा, ठीक है, जनरल साइंस के अंदर में। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल्स, यानी कि जो हिस्ट्री जो रहा है हमारा इंडियन फ्रीडम के लिए और इंडियन फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल हमने किया है उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ना है। जितने भी मोमेंट्स हुए थे वो सारे कुछ आपको इसमें करने हैं। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम। फिर आपका है जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ठीक है, जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम इसरो के द्वारा जो भी प्रोग्राम किए जाते हैं वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशंस और इंपॉर्टेंट जो भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है वो सारे के सारे इन्वायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर अपलियंस, आप कंप्यूटर के भी बारे में जानना होगा, कॉमन एब्रिवेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो लॉन्च होती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें जानना होगा। सॉरी दोस्तों, चलिए, फ्लोरा एंड फूना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। हमें ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से अगर आपको करना है तो दोस्तों आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको करनी ही होंगी चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए आगे आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि आगे हम लोग का क्या है। आगे है हमारा सीबीटी 2 स्टेज कंप्यूटर बेस्ड, जो इसके अंदर में क्या हमारा सिलेबस होने वाला है वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। इसके अंदर जो सिलेबस है हम लोग का वो हम लोग ध्यान देंगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि हमारा जो इसके अंदर में सिलेबस है वो है सीबीटी 2 के लिए जो सेकेंड जो स्टेज है। एक चीज़ तो इसमें सबसे पहले सब कुछ अच्छे से मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो अगर क्वालिफाई होते हैं आप सीबीटी 1 उसके बाद ही सीबीटी 2 को आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर में जो एग्जामिनेशन होगी उसकी ड्यूरेशन आपको 90 मिनट होगी, जबकि क्वेश्चन जो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये कंफर्म नहीं होता दोस्तों, हमेशा इधर उधर वैरी करते रहता है इसका नंबर्स। चलिए आगे बात करते हैं, इसको एक चीज याद रखना कि आपको पीडब्ल्यूबीडी के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे, आपको 190 90 90 मिनट आपको नॉर्मल के लिए, जनरल के लिए, लेकिन पीडब्ल्यूडी को 120 मिनट और 120 क्वेश्चंस होंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आके दोस्तों इसका भी सिलेबस दे रखा है हमारे को और इसमें भी लिख रखा है कि 1/3 मार्क्स जो है डिडक्ट किया जाएगा। और इसका जो सिलेबस है वो भी आप दे सकते हो कि मैथमेटिक्स के अंदर में वही नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन जो 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 कि उसमें था वो सेम टू सेम ही है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, देख लो आप, ठीक है। एनोलॉजी देखो, इंटेलिजेंस के अंदर में करंट अफेयर सेम टू सेम है, कुछ चेंजेस नहीं है। बस हो सकता है कि ये सेकेंड स्टेज एग्जाम हो तो इसमें थोड़ा सा आपको हाई लेवल का थोड़ा सा आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया, जो जो चीज़ मैं बताना चाहता था कि एनटीपीसी का सिलेबस क्या है उसके अकॉर्डिंग। एक चीज़ और मैं बता दूँ दोस्तों, जैसे कि आपका जो टाइपिंग का जो एग्ज़ाम होने वाला, जो कि टाइपिंग स्किल टेस्ट जिसको कहते हैं, वो देखो सबसे पहले किसके किसके लिए, जो लोग इस पोस्ट के लिए भरे हो, पोस्ट सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर्स, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट एंड जूनियर टाइम कीपर्स स्किल, सॉरी टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, ठीक है। एक तरह का क्वालिफाइंग नेचर होगा, ठीक है इसका। एंड देखो यहाँ पे लिख भी रखा है कि मार्क्स ऑब्टेंड इन टाइपिंग स्किल टेस्ट सेल नॉट बी एडेड फॉर मेकिंग मेरिट। इसमें इसको जो है सिर्फ मेरिट के लिए आपको नहीं किया जाएगा, बस आप क्वालिफाई के लिए, कि अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हो तो बस आपका हो गया। इसमें आपको स्पीड देख लो आप, यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट के लिए है, ठीक है, इन इंग्लिश, और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। और आपको यहाँ पर हिंदी में दोस्तों कुर्ती देव फॉन्ट यूज करना है, और मंगल भी यूज कर सकते हो। देखो इन हिंदी कुर्ती देव एंड मंगल फॉन्ट शैल बी मेड अवेलेबल फॉर टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर। आपको वहाँ पर्सनल कंप्यूटर प्रोवाइड की जाएगी, उसके अंदर में आपको कुर्ती देव और मंगल फॉन्ट दोनों आपको दिए रखे होंगे। साथ ही साथ इसमें एक चीज और दोस्तों, इसमें करेक्शन के लिए आपको कुछ भी नहीं दिया होगा, ठीक है। आपको पर्सनल कंप्यूटर प्रोवाइड की जाएगी, देख लो आप यहाँ पर, पर्सनल कंप्यूटर ओनली विदाउट एडिटिंग टूल्स एंड स्पेल
चेक फैकल्टी फैसिलिटी आपको स्पेशलिंग जो चेक फैसिलिटी है उसको हटा के और टूल्स कोई भी एडिटिंग टूल्स उसको हटा के आपको ये दिया जाएगा। और आपको ये सब कुछ जो है आपको टाइपिंग करना है वो 30 पर मिनट के अंदर में इंग्लिश को और 25 वर्ड्स पर मिनट को हिंदी में। तो यही सारा पूरा का पूरा आपका नोटिस था दोस्तों। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या आपका सिलेबस है। इसको आप पीडीएफ जो है मैं दोस्तों आपको दे दूंगा, आप टेंशन मत लेना, आपको सब कुछ ये प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं आपको हमारे फिर नेक्स्ट वीडियोस में। आई होप सो आपको सब कुछ पसंद भी आया होगा, सब कुछ समझ में आएगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि हमें भी पता चले कि हाँ आपको पसंद आया। और अगर कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो के नीचे में कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलता हूँ मैं आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ में।